आपकी कहानी इम्पैक्टफुल है, हमारा सिनेमा या हमारा OTT इम्पैक्ट करता है। आप कुछ भी दिखाते हो वो लोगों के जहन में जाता है, लेकिन राइट वे में बरगलाओ नहीं लोगों को। वन साइड ऑफ स्टोरी मत दिखाओ। जो फौदा में तौफीक कैरेक्टर था, जो मैंने वो शो देखा तो मुझे उसको देखते ही लगा कि यार अगर मुझे ये करने को मिल जाए तो। जुनैद में अच्छा है बुरा लड़का नहीं दिखता, वही लड़का दिखता है जो स्कूल जाना चाहता है, गर्लफ्रेंड चाहता है, बाहर जाना। होपफुली लोगों को पसंद आएगा। और हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचक्कर। मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम विद द कास्ट ऑफ तनाव। ट्रेलर ने ऑलरेडी कमाल करके रख दिया है एंड इट हैज सेटिंग द सोशल मीडिया ऑन फायर। सो लेट अस वेलकम द कास्ट ऑफ तनाव। सुमित कौल, मारव विश एंड शशांक अरोरा, वेलकम टू टेलीचक्कर सर। थैंक यू। ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है ऑलरेडी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या एक्साइटमेंट है? सुमित जी, स्टार्टिंग विद यू। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, जो भी देख रहा है वो कह रहा है कि भाई शो आ जाए जल्दी, वो देखना चाहेंगे। एंड इट्स डेफिनेटली क्रिएटेड अ ग्रेट बज, पसंद आ रहा है उसकी, उसका जो आई डोंट नो एक ऑरा जो है, सब लोग उसको देखना देखने के लिए उत्सुक है। मारव जी, ये बताइए कि आपकी तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, बिकॉज व्हाटएवर यू हैव डन सो फार क्रिएटेड अ स्ट्रांग मार्क, इसके लिए व्हाट मेड यू से यस फॉर दिस वन? मनी वाज द मेन गेम, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं है। मुझे तो जब उन्होंने पूछा आप करना चाहोगे, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी स्टार मिल सकता है आपको। बट दैट वाज स्वीट ऑफ देम कि उनको मेरे क्राफ्ट की अहमियत लगी समीर सर को, और उनको लगा कि ये निभा सकता है। तो दैट यू नो फेथ इज़ वेरी इन्फेक्शियस। जो उनका फेथ था उसने मुझे फुल एनर्जी दी कि आई हैव टू परफॉर्म 100। सो मोर देन माई एक्टिंग कैपेबिलिटीज और प्रोफेशनल अबिलिटीज, इंपॉर्टेंट ये था कि उनका मेरे पे फेथ बहुत था। सो इसलिए ये जर्नी बहुत स्पेशल है मेरे लिए। Shashank, what about you? Because you have always come up with something different in whatever projects you have chosen. What made you say yes for this one? I just take the work that comes my way. This had Sudhir Mishra behind it, a good team behind it, a great cast behind it. Fauda is a good show, and it's interesting how it fits into our country. It's interesting to see, you know, to give it life, and I haven't seen it. Hopefully, people will like it. शूटिंग का माहौल किस तरह रहा, कि किस तरीके की शूटिंग एक्सपीरियंस रही, क्या फन मोमेंट्स होते थे, क्या कुछ बातें होती थी, कुछ कहना चाहेंगे? एक जनरल कैमराडरी जो थी पूरे यूनिट में, चाहे वो एक्टर्स के बीच में हो या सबके बीच में, बहुत ही स्ट्रांग था। एक दोस्ताना माहौल तो था, लेकिन जब काम की बात आती थी तो सब उतने ही ज़्यादा फोकस्ड होते थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन था कि आप कुछ ही देर पहले हंसी मजाक कर रहे थे और बस जैसे ही आपका वक्त आ गया सेट पर आने का, तो आप अपने अपने किरदारों में। मानव जी, क्या कहना चाहेंगे, कुछ ऐसी याद शूटिंग की जो आप लेके जाएंगे एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, जो तनाव के दौरान हुआ हो, वो कौन सी होगी? ये बहुत सारी यादें हैं ऐसे तो, बट हमारी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था। हम लोग एक दूसरे से आज तक कंसर्न है। अभी ब्रेड टोस्ट खिलाया मैंने, सही बात है, मक्खन कम डाला, मक्खन कम था, ये बाद में कर लेंगे। सो वी आर कंसर्न, वी लव ईच अदर सो मच। सो यादें ही यादें हैं, जब प्यार इतना हो, सब लोग अपने काम की तरफ और कोई इनसिक्योर ना हो और अपना मस्ती से काम कर रहे हैं, देन यू हैव अ ग्रेट टीम, पर आपके अप्लॉज आपको बैकिंग दे रहा है। एंड सुशांत, आपके लिए एज एन एक्टर तनाव ने आपके लाइफ में क्या मार्क छोड़ा है, क्या छाप छोड़ा है और आपने क्या लिया? इस शो का मेन जो इफेक्ट मुझ पे हुआ है वो मानव की वजह से हुआ है। मानव मेरी लाइफ पे इतने बड़े इम्पैक्ट रहे हैं, बड़े गाइडिंग फोर्स रहे हैं। ये किरदार समझने के लिए बहुत कुछ लगा यार, बहुत कुछ चल रहा है वहाँ पे। जुनैद एक कॉम्प्लिकेटेड लड़का है, कश्मीर एक कॉम्प्लिकेटेड जगह है, और मज़ा भी बहुत आया, बहुत काम भी किया, एंड देयर इज लॉट्स ऑफ लेयर्स टू दिस। होपफुली गाइस, ये मैं पूछना चाहूँगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट एंड रेलेवेंट सब्जेक्ट लाइक दिस, जो कश्मीर में इशूज़ हो रहे हैं, आज के जनरेशन का भी जानना बहुत ज़रूरी है, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट कितना ज़रूरी है ऐसे टॉपिक का सामने आना, क्या कहना चाहेंगे आप? आई मीन रेलेवेंस तो बहुत ज़्यादा है ये, और इसकी ये जो इशू है, ये इसको चलते हुए तो अब करीब 70-80 साल हो गए हैं। मानव जी, क्या आप रोशनी डालना चाहेंगे इस चीज़ पे कि लाइक कितना इम्पोर्टेंट और रेलेवेंस है ऐसा सब्जेक्ट का आना आज के ज़माने में? सी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है बताना कि कितना इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, बट ऐसी कहानी का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। आपकी कहानी इम्पैक्टफुल है, हमारा सिनेमा या हमारा OTT इम्पैक्ट करता है। आप कुछ भी दिखाते हो वो लोगों के जहन में जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी कहानी बताओ, लेकिन राइट वे में, बरगलाओ नहीं लोगों को। वन साइड ऑफ स्टोरी मत दिखाओ, टू साइड ऑफ स्टोरी दिखाओ, और हम ये नहीं चाहते कि वो किसी की साइड लें। तो ओनली थिंग इज, द मुद्दा हमारा इस कहानी को बनाने के लिए है कि उस जगह पर क्या चल रहा है, लोगों क्या ट्रॉमा है, उनकी क्या लेयरिंग है, वो क्या गो थ्रू करते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। आई थिंक इट्स अ गुड स्टोरी विद लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। द ड्रामा, आप रोना पसंद करोगे, आप हंसना पसंद करोगे, आपको थ्रिल आएगा, तो आई थिंक दिस इज अ गुड वॉच।
ये कहना क्या सही होगा कि वी आर गोइंग टू सी यू इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट अवतार इन दिस वन ऑल्सो, और क्या कहना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में? 100% यार, हाँ, अनलाइक एनीथिंग जो पहले किया, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, होपफुली पसंद आएगा यार, बिल्कुल अलग कश्मीरी लड़का है, कश्मीरी बोलता है, कोशिश की हमने कश्मीरी बोलने की, कश्मीरी सीखने की, मैंने तो थोड़ी बहुत, आई हैव नॉट सीन हिम लाइक दिस एवर, या आई एम एक्साइटेड टू वॉच हिम लाइक दिस, आई डोंट नो, हां अलग होगा, नहीं होपफुली, हैव डन एनीथिंग सिमिलर टू दिस, एंड वही जैसे अनबायस व्यू यार, यू कांट जज योर कैरेक्टर, यू कांट लुक डाउन ऑन योर कैरेक्टर, मुझे जुनैद में अच्छा है बुरा लड़का नहीं दिखता, वही लड़का दिखता है जो स्कूल जाना चाहता है, गर्लफ्रेंड चाहता है, बाहर जाना, होपफुली लोगों को पसंद आएगा और मनोरंजन भी आएगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा शायद। ऐसा कोई एक कैरेक्टर है या ऐसा कोई रोल है यू रियली विश टू बी अ पार्ट ऑफ जो अभी तक आपने नहीं किया हो, तो वो कौन सा होगा? आई मीन मेरे लिए एक्चुअली जनरली मेरे लाइफ में ऐसा हुआ नहीं है कि मैं कोई किरदार देखूं और बोलूं कि मुझे ये करना है। एक ही बार हुआ, वो तौफीक के साथ हुआ, उमर जो फौदा में तौफीक कैरेक्टर था, जब मैंने वो शो देखा तो मुझे उसको देखते ही लगा कि यार अगर मुझे ये करने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा, और वो मुझे मौका मिल गया। मेरी ये हमेशा उम्मीद रहती है कि मुझे कोई जो स्क्रिप्ट मिले वो इस तरह की मिले कि उस पर जो काम हुआ है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हुआ हो, कि उसके आपको बहुत सारे लेयर्स मिले, स्टोरी में लेयर्स हों, कैरेक्टर्स में लेयर हों, उसकी उसकी आपको पता चले वो जो कह रहा है या कर रहा है उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, उसकी सोच क्या है, आपको सब कुछ पता चले। एक अभिनेता के तौर पर काम करना आसान हो जाता है और उसमें मजा भी बहुत आता है, तो बस मैं अच्छे स्क्रिप्ट्स की तलाश में। लाइक एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर और एनीथिंग व्हिच यू थिंक यू हैव नॉट डन सो फार, लेकिन आप डेफिनेटली करना चाहेंगे? मुझे ना सनी देओल का रोल करना घातक, बड़े वो बनियान फाड़नी एक बार, पता नहीं कब फटेगी। नहीं नहीं यार, वो फैसिनेशन है, आई वाज इन अ मेडिकल कॉलेज तब जब आई थी घातक, उसने बनियान फाड़ी और वो कातिया करके बोला, उसमें हम अच्छा वो तब होता नहीं था, बार बार प्रोमो आता था, तो रात को 2 बजे आता था कहीं पर प्रोमो, तो हम अलार्म लगा दे रात को 2 बजे आता ना, यू नो रेपिटेशन ऑफ प्रोमो, we wanted to watch it, they'll reboot Dawn I think in 15 years, so I think I'll so jaane se pehle kya kehna chahenge fans ko, viewers ko, what are your parting way, words for your fans? Yaar bahut maza aaya ise banane mein, aur matlab literally maza bhi aaya, aur usko usme jaan dalne mein bhi maza aaya, usko in logon ke sath kaam karne mein maza aaya, Sudhir ji ke sath kaam karne mein maza aaya, script par kaam karne mein, aur ab ban ke ye bahut acha bana hai, aur main chahta hu ki sab dekhein। हम मस्ती मजाक करते रहेंगे, बिकॉज हमें अच्छा लगता, हमारा टाइम पास ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर सीरियस विद द वर्क, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड वॉच दिस। ये थे कॉल मानव विज एंड शशांक अरोरा फॉर देयर वेब सीरीज तनाव। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस इंटरेक्शन? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फॉर मोर न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड डिजिटल एंड टेलीविजन, कीप वॉचिंग टेली चक्कर। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.